दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली कम्युनिटी पोस्ट मैंने की थी कि हमारे यहाँ पर ओल्ड कैमरा सेल लगने वाली है, तो यहाँ पर हम नीमच में आए हैं और नीमच में आप मेरे देख सकते हैं सामने कृष्णा गार्डन है। कृष्णा गार्डन इसके अंदर ही हमारी ओल्ड कैमरा की सेल लगी हुई है। इसमें हम देखेंगे अंदर जाकर के हमें कितने प्रकार के कैमरे मिलते हैं और किस किस कंपनी के कैमरे मिलते हैं और उन कंपनी के हमें क्या क्या रेट में हमें उभराने कंपनी के कैमरे मिलते हैं। तो चलिए अंदर इंटर होते हैं और देखते हैं कि हमें कितनी वेरायटी में हमें कैमरे मिलते हैं अंदर। निकोन कंपनी के कैमरे हैं यहाँ पर, हमें 3000 मिल जाएगा। 3000 है हमारे पास, D40 है हमारे पास, D40X कंपनी के हैं और 3100 भी है हमारे पास कैमरे यहाँ पर, जिनके प्राइस हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 10000 रुपये प्राइस मिल रहा है इसका, इसका 9000 प्राइस मिल रहा है। जैसे भी कंडीशन है इन कैमरों की उस हिसाब से इनकी कंडीशन के प्राइस लगा रखे हैं और प्राइस के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर आने से फ़ायदा आपको यह मिलेगा कि आप 8-10 कैमरे एक साथ देख सकते हैं और इनकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं और आपके लिए जो किफ़ायती है ज़्यादा अच्छे रेट में वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप ओल्ड कैमरा खरीदना चाहते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर कैमरे को देखने जाएंगे तो आपको उतनी अच्छी वेरायटी नहीं मिल पाएगी, आपको पसंद आए ना पसंद आए। लेकिन आप अगर यहाँ मूड बनाकर आते हैं पुराना ओल्ड कैमरे के लिए तो आपको 100% यहाँ पर आपकी इच्छा का कैमरा मिल जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं वीडियो कैमरे हमारे पास कितने आए हुए हैं यहाँ पर। आओ चेतन जी, आपका इंट्रो भी लेंगे। दोस्तों थोड़ा हम आगे आए हैं तो हमें यहाँ मिला है D90 कैमरा। D90 कैमरे की प्राइस यहाँ पर लगभग 15000 रुपये हैं। 15000 में हमें एक और D90 पड़ा है यहाँ पर और 14000 की रेट में हमें 5100 कैमरा भी है यहाँ पर निकोन कंपनी का। और आगे हम चलते हैं तो हमें 7000 मिलेगा यहाँ पर। 7000 हमें अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंडीशन में 28000 रुपये हैं। 7000 के लगभग हमें 28000 रुपये का रेट मिल रहा है यहाँ पर। और आगे हम देखते हैं तो हमें और इससे बड़े अपग्रेड जो मॉडल है वो भी मिलेंगे। हमें यहाँ 5D भी मिला है, 5D भी हमारा है यहाँ पर, 6D भी है हमारा। तो 6D हमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी का, बेटर क्वालिटी का हमें यहाँ पर मिल रहा है 55000 रुपये का। तो 55000 रुपये में 6D लेना आपको फुल फ्रेम बॉडी में कैनन कंपनी में कहीं से कहीं तक कोई भी गलत डिसीजन नहीं होगा। तो आप इसको यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी आप देख सकते हैं इनकी। 5D Mark II कैमरा भी है यहाँ पर, इसका रेट हमें 35000 रुपये मिला है 5D Mark II। इसके साथ में जो किट लेंस आता है 24-105 का USM लेंस, वो भी आपका अच्छा है। अगर आप देखे जाए तो हमें USM लेंस ही 45000 रुपये का नया मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें 35000 में बॉडी के साथ में हमें ओल्ड कैमरा मिल रहा है। दोस्तों हमें यहाँ पर निकोन कंपनी की फ्लश भी मिलती है जो TTL कंपनी की है। यह हमें अगर नई खरीदने जाते हैं हम तो 11000 रुपये की प्राइस के लगभग मिलती है, लेकिन हमें ओल्ड मिल रही है 5000 रुपये में। और आप यहाँ पर आकर इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है, ओनली है, ओल्ड हो चुकी है, यूजेबल चीज़ है, इसलिए आपको सस्ती मिल रही है और आपको यहाँ ज़्यादा वेरायटी में मिल जाएगी। और आगे जो कैमरे हमें, जो SD कैमरा हमारा आता था 11-12000 का, वो हमें 5000 में मिल रहा है, जो हमारे मिनी SD होते हैं। यह मिनी SD की क्वांटिटी भी हमारे पास 8-10 मॉडल्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा MDS1 कैमरा जो हमारा पहले चलता था वो भी पड़ा हुआ है यहाँ, इसकी कीमत आ रही है 22000 रुपये की। इसके बाद हमारे जो मॉडल है रेगुलर कंपनी के जो साथ में आते हैं MDS2 भी हमारे पास, MDS2 में हमें 26000 रुपये का रेट मिल रहा है। और P1500 कैमरा जो ज़्यादा पॉपुलर कैमरा था वीडियो कैमरे में, जो सबसे ज़्यादा इजी कैमरा चलाने के लिए और अभी भी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसमें P1500 में मिलता है 28000 रुपये की रेंज में, 26000 रुपये की रेंज में और 30000 रुपये की रेंज में। या तीन तरह के वेरिएशन में है, मुझे देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है कि इनमें क्या क्वालिटी है, लेकिन अगर हम इसको उठा के देखेंगे और देखेंगे कि इनमें कुछ ब्रेकेबल है या फिर कुछ थोड़ा बहुत टूटा फूटा है तो इनके थोड़े रेट प्राइस कम है। बाकी आप 30000 में अगर कैमरा खरीदते हैं तो कोई बुरा नहीं है यहाँ से, और आपको चालू कंडीशन में कैमरा मिलेगा यहाँ पर। 1500 कैमरा लगभग नया जब आता था तब 70000 रुपये का आता था, लेकिन आपको यहाँ पर उसके आधे से भी कम रेट में मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर आने का फ़ायदा ये मिलेगा, आपको 8-10 वेरिएशन में अलग अलग कैमरे मिल जाएंगे और सेम रेट में मिल जाएंगे, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें
पेनासोनिक कंपनी का भी बहुत अच्छे मॉडल्स मिलते हैं। UX94 के जो रिजोल्यूशन होता है हमारे कैमरे का, ये भी बहुत अच्छी खासी रेट प्राइस में मिल रहा है हमें। लगभग इस कैमरे को आप खरीदने जाएंगे तो 1 लाख रुपए के समथिंग पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित और फुल टॉप कंडीशन में आपको 70,000 रुपये मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि यह एक ही कैमरा है, यहाँ पर UX90 के 3 से 4 मॉडल यहाँ पड़े हुए हैं। जैसा कि यह है एक और UX90, इसका भी 70,000 रुपये का रेट है। लगभग आप 70,000 रुपये के रेट में आप UX94 के कैमरा भी खरीद सकते हैं और आपकी अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका बजट उसके लगभग नहीं है आपके नया कैमरा खरीदने के, तो आप ओल्ड कैमरा यहाँ से ले सकते हैं और ओल्ड कैमरे में आपको क्वालिटी मिलेगी यहाँ पर बेटर ही। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ओल्ड सेल लगी हो तो ख़राब कैमरा मिल जाए आपको, चालू कंडीशन में व्यवस्थित कंडीशन में आपको कैमरे मिलेंगे ओल्ड। और आगे हमें जो पड़ा है ये बॉक्स पैक भी हमारे ओल्ड सेल पर लगाएं, जिसका 60,000 रुपये रेट है, लेकिन ये JVC कंपनी का, JVC कंपनी रेगुलर यूज़ में नहीं आती है। अगर आप चला सकते हैं तो JVC कंपनी को भी चलाइए और इसका अच्छा रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा कैमरा है और 60,000 रुपये की रेट में आपको नया कैमरा कोई सा भी नहीं मिलेगा जो मिनी SD के रूप में है। तो देख सकते हैं आपके 60,000 रुपये में आपको कैमरा बहुत अच्छा मिल रहा है और इसको आप देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि यह कैमरा यूज़ किया हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नया कंडीशन का कैमरा लग रहा है हमें। कहीं से कहीं तक इसमें स्क्रैच भी नहीं है, तो यह आपको नया कैमरा भी 60,000 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि हमें स्टूडियो लाइट के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है कि हमें 15,000 से कम से लाइट नहीं मिलती है हमें कोई सी भी अगर नहीं खरीदने जाते हैं तो। आपको स्टूडियो लाइट भी यहाँ चालू कंडीशन में आपको मिलेगी 4,000 रुपये में, मात्र 4,000 रुपये का एक स्टूडियो लाइट है और 23 मॉडल है इसका। सिम्पेक्स कंपनी का भी है इसमें, सिम्पेक्स कंपनी का भी 23 नंबर का हमें 4,000 रुपये में मिल जाता है। यहाँ भी 4-5 तरह की लाइटिंग पड़ी हुई है। अगर लाइटिंग भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ओल्ड कैमरा लेकर आपके थोड़े पैसे को बचा सकते हैं और बजट में आप काम आपकी फोटोग्राफी का चालू कर सकते हैं। यहाँ फोटोग्राफी से संबंधित सारे सामान पड़े हुए हैं, जैसे कि हमें फ्रेम मिलती है तो फ्रेम भी हमें यहाँ लक्ष्मी जी की फ्रेम के रूप में हमें फोटो लगा रखा है और साइज़ दे रखी है। अगर जैसे दिवाली आने वाली है तो आप इसको डायरेक्ट भी बेच सकते हैं यहाँ से ले जाके, तो यहाँ से भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद हमें देखते हैं हमें जो प्रिंटर के जो सामान काम में आते हैं, वो प्रिंटर के सामान में हमें 4-6 फोटो भी हैं यहाँ 150 रुपये का मिलता है या 170 रुपये का मार्केट में मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर पैक कंपनी का और आज छूट के हिसाब से 150 रुपये में मिल रहा है। तो हमें आगे बैग्स भी पड़े हैं जो हमारे फोटो कंपनी के, जो हमें अलग अलग वेरायटी में एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप कहीं खरीदने जाते हैं बैग तो आपको एक या दो बैग बता देगा आपको फोटो गुड्स वाला, लेकिन यहाँ पर आपको 8-10-15-20 बैग एक साथ पड़े, ताकि आप देख करके आराम से चॉइस कर सकते हैं आपके लिए कौन सा उचित बैग है और आप आराम से खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर समय समय पर अगर चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर रखेंगे, तो मैं आपको पहले से नोटिफिकेशन कम्युनिटी गाइड में आपको टेप दे दूंगा, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हमारी आने वाली वर्कशॉप कब है और ओल्ड कैमरा की सेल कब लगने वाली है। तो अभी हमारी ओल्ड कैमरा की ये सेल लगी थी, इसके लिए मैंने 15 दिन पहले से कम्युनिटी पोस्ट किया था, जिसे अगर आपने रिमाइंड किया है तो आप जरूर यहाँ पर आए होंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मिल चुके हैं मुझे यहाँ पर और वो अपने कैमरे के लिए तैयार हैं, जैसे कि अभी सीजन चालू होने वाला है दिवाली का, उससे पहले हमें कैमरे की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हमें कैमरे ले सकते हैं और ओल्ड कैमरे से हमारा काम चालू कर सकते हैं और हमें अच्छी प्राइस में कैमरे यहाँ पर मिल पाएंगे।
दोस्तों हमारे पुराने मित्र हमें यहाँ मिल चुके हैं, स्कंद भाई, जिनका वीडियो आपने हमारे चैनल पर भी पहले देखा था, जिनके साथ में हमने 5 फोटोग्राफी टिप्स पोर्ट्रेट फोटोग्राफी यूज़ की थी। तो वो आज हमें यहाँ पे मिल गए हैं और इनसे हम थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं कि यह यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने क्या यहाँ पर परचेस किया और क्या यहाँ पर सेल किया है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपका पुराना कैमरा बेचने की भी आपको सुविधा मिलेगी बिना कोई चार्जेस के, और यहाँ सर आप नया कैमरा खरीद भी सकते हैं, मतलब ओल्ड कैमरा खरीद भी सकते हैं बिना किसी चार्जेस के, जो इसके ऊपर स्लिप लगी है, जो सार्वजनिक रूप से सबके सामने सोशल है कि आप इतने का कैमरा है और इतने में खरीद सकते हैं। तो हमारे स्कंद भाई ने क्या खरीदा है ये हमें बताएंगे। हाय स्कंद भाई, क्या लिया आपने यहाँ पर? हाय गाइस, हाउ आर यू? मैंने आज नीमच फेयर जो नवीन जी के द्वारा लगाया गया सेल, उसमें मैंने ये सिर्फ ट्रॉली बैग खरीदा है। तो ये ट्रॉली बैग तो यहाँ पर मुझे नया दिख रहा है, ये ओल्ड नहीं है? ये मैंने नया ही लिया है। एक्चुअल में मेरे पास जो ट्रॉली बैग है उसमें मेरा जो इक्विपमेंट है कैमरे का उसमें नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एक बैग और लिया है। ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे, बैग बहुत बढ़िया खरीदा आपने। आप मुझे इसको बताया कि आपने इतने दिन से, आप पहले भी ट्रॉली बैग यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ से ट्रॉली बैग क्यों लिया है, किस वजह से लिया गया, आपको क्या सस्ता पड़ गया यहाँ पर या आपको इसकी अच्छी क्वालिटी मिली है? देखो, कहीं ना कहीं ऐसा रहता है जहाँ पर फेयर रहता है वहाँ पर इसको कंपनी वालों को कुछ डिस्काउंट करना रहता है, तो यहाँ पर भी मेरे को कुछ डिस्काउंट में ये चीज़ मिली है। इसकी मार्केट वैल्यू 6000 रुपये की है और मेरे को यहाँ 3500 रुपये में ये बैग मिला है। क्या बहुत अच्छी बात है कि 3500। हाँ बताएं। इसकी बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे कि आप इसके नीचे टायर देख सकते हैं, आप ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं, कभी बाय चांस आप नहीं चल पा रहे हो उठा के, इसको आप हैंडल से ट्रॉली करके चला सकते हो, इसको कैरी भी कर सकते हो, और ये साइड हैंडल भी इसका आप चाहो तो इसे भी पकड़ सकते हैं। तो आप बैग का प्रचार कर रहे हैं, आपने खरीदा है इसलिए कि इसको इसमें आपको अच्छी चीज़ें मिल गई है, तो चलिए आप जितनी तारीफ कर रहे हैं इनके बैग की, हम इनको बैग को खोल के देख लेते हैं और क्या काफ़ी वाकई में 3500 रुपये में बहुत अच्छा बैग है इनके लिए। तो आप इसको खोल के बताइए थोड़ा हमें, इसको ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आने का आपको फ़ायदा जो रहा बहुत अच्छा रहा होगा कि भैया आप यहाँ आए तो आप फ्री नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ खरीद के जा रहे हैं यहाँ से। जी, मैं ये यहाँ पर इस बैग की बहुत अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी लग रही है यहाँ पर, इसको ऐसे भी देखो, इसको थोड़ा खोल के बता दो हमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक पन्नी, एक प्लास्टिक जो है ऊपर लगा हुआ मिला है। अगर आप बारिश में कभी बाई चांस अटक जाते हैं कहीं किसी प्रोग्राम से आने में, तो आपके कैमरे इससे सेफ रहेंगे, और इसमें प्लास्टिक का पन्नी लगा रखा है और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे कुशन से लगा रखे हैं जिससे आपके कैमरे की अच्छी सेफ्टी हो जाएगी, नीचे ऊपर आगे पीछे सब तरफ से, और कैमरा ऐसा नहीं है कि इसमें इधर उधर टकराएगा, अच्छे से फिट हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस बैग में दो कैमरे आसानी से आ सकते हैं, एक ब्लॉक ये बना हुआ है, एक ब्लॉक ये बना है। इसमें आप साइड में आप फ्लैशेस वगैरह रख सकते हैं और चार्जर वगैरह रख सकते हैं जो हमारे सेल वगैरह होते हैं। तो बहुत अच्छा बैग मुझे लगा है वाकई में, कम से कम ये बैग आपको 6000 रुपये का मिलेगा, लेकिन हमें स्कंद भाई ने बताया कि 3500 रुपये में इन्होंने खरीदा है, तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है इनका डिसीजन। और बताएं आप? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर फेयर में आके। और तो आपने इसको फाइनली खरीद लिया है या खरीदना बाकी है? फाइनली ही खरीद लिया है मैंने। आप इसका पेमेंट कर चुके हैं? इसका पेमेंट कर चुका हूँ मैं। तो स्कंद भाई को एक बैग लेने पर बहुत बहुत बधाई हो। खैर, कैमरा नहीं इन्होंने खरीदा, क्योंकि कैमरे तो बहुत अच्छे है इनके पास ऑलरेडी, ये नए कैमरे यूज़ करते हैं, तो इन्होंने मुझे पहले बताया था कि ओल्ड कैमरे पर विश्वास नहीं रखते हैं, ये नए कैमरे ही खरीदते हैं, तो इन्होंने बैग अच्छा खरीद लिया इस बार। और इनके पास ट्रॉली बैग है ऑलरेडी, लेकिन ये बता रहे थे कि थोड़ा बड़ा ट्रॉली बैग है। इस ट्रॉली बैग को आप आसानी से शोल्डर पर टांग भी सकते हैं और अच्छे से कैरी भी कर सकते हैं, जिसमें इसमें नीचे रोलर पहिए लगा रखे हैं, तो इससे आपको खींच के ले जाना होगा तो कहीं से ज़्यादा आपको वेट नहीं लगेगा। एक बार इसको टांग के बताओ। टांग ले सकते हैं इसको पीछे से, ये दोनों हैंड से आराम से ले सकते हैं। अच्छा खासा बैग लग रहा है, ज़्यादा कोई वेट नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, अच्छा खासा आ रहा है, आपको अच्छा भी लगेगा। लुकिंग वाइज तो वैसे भी ऑलरेडी हमेशा से लुकिंग वाइज चीज़ें ही पसंद करते हैं और खुद भी लुकिंग वाइज रहते हैं। थैंक यू सो मच लखन भैया जिनने मेरी बाइट ली और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर हैं, तो हम देखते हैं कि वो क्या खरीदते हैं और क्या खरीदने आए हैं और क्या उनको उनके पसंद का कैमरा यहाँ पर मिलेगा ओल्ड सेल में। दोस्तों कैमरे के मामले में बताऊँ आपको कि यहाँ पर अगर फोटो कैमरे की बात की जाए तो फोटो कैमरे थोड़े कम खरीदे जा रहे हैं, जैसे कि 3100 D40 वगैरह ये नहीं यूज़ कर रहे हैं लोग, 7000 पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है कि 7000 को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और हमारे जो 5D के कुछ 2-3 मॉडल्स आए उनको भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और 6D के मॉडल को भी ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल रेंज के कैमरे लोग नहीं खरीद रहे हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये में जो जिनका प्राइस लगा हुआ हमारा D40 का, 3100 का और 3500 के जो कैमरे हैं अभी नए नए मॉडल्स जो आए हैं और एंट्री लेवल जो कैमरे हैं, तो वीडियो कैमरे के मामले में भी यहाँ पर 1500 कैमरा ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है कि 1500 कैमरे को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग और ज़्यादा चेक कर रहे हैं उनको 1500 कैमरे का, क्योंकि ये रेगुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो 1500 कैमरे भैया ट्राई कर रहे हैं कि इनको कितना अच्छा लगता है, चेक देखते हैं।
दोस्तों, अगर आप ओल्ड कैमरा खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ आकर डिसीजन लेना होगा कि आपको 100% कैमरा खरीदना ही है। जैसे कि हमने प्राइस आपके सामने शो कर दिए हैं कि आपको अगर D40 खरीदना है तो आपको 8,000 रुपये के समथिंग में मिल जाएगा, आपको 7,000 खरीदना है आपको 28,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा, और आपको इससे थोड़ा ऊँचा जाना है जैसे कि हमारा जो होता है अपने 5D Mark II हमें यहाँ मिला था, तो 5D Mark II भी हमें 35,000 के समथिंग में मिल गया था। तो कुछ इस तरह से आपके सामने रेट ओपन है, और हमारे पास 1500 जो कैमरा है P1500 वीडियो कैमरा, तो यह भी आप यहाँ से आके खरीद सकते हैं, क्योंकि 1500 कैमरा भी हमें अच्छी खासी रेट में मिला है, यहाँ पे 26,000-28,000 के समथिंग के रेट है इसका, और MDS2 भी हमें हमारे यहाँ पर 35,000 रुपये के रेट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर आकर ये कैमरा खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सेल लगी है तो आप इनको आज ही खरीद पाएंगे, आप इसके बाद जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर रखा आप रुकम फोटो बूथ से कंफर्म करके आप कैमरा खरीद सकते हैं, और आपको इसकी क्वालिटी और जैसे भी है आप चेक कर सकते हैं आराम से। अगर आप सेल में आते हैं तो आपको लाइव डेमो के साथ में यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि भैया पीछे चेक कर रहे हैं कैमरे को, 1500 लगभग उन्होंने वो कैमरा डन कर लिया, 28,000 रुपये जिसकी कीमत है। ऐसा नहीं है कि 28,000 रुपये में उनको अच्छी चीज़ नहीं मिली, 26,000 रुपये की चीज़ है, लेकिन उनको 26,000 रुपये की P1500 अच्छी नहीं लगी इन्होंने, इसलिए 28,000 वाला जो कैमरा है वो खरीदा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी फोटोग्राफी टिप्स देता रहूँगा और आपके साथ में बना रहूँगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए गुड डे।